हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिव दी गुड वाइब्स। और आज हम लोग आए हैं निधिवन में, और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाके वो देखिए। तो चलते हैं निधिवन में। हमारे कृष्ण की 16,000 आप सभी लोगों ने अपने पर्स, मोबाइल, चेन व कीमती सामान आदि कहते चलेंगे वृंदावन धाम, हमारे करेंगे माता पिता का कृपया नाम की भूमि कर। आज आप जो सब लोग खेल पे चढ़े हो अपने माता पिता के आशीर्वाद से, और उनके आशीर्वाद से बड़ा आशीर्वाद कोई है नहीं तीर्थ, क्योंकि कन्हैया ने जो तीर्थ करे अपने माता पिता के लिए, और आज आप जो दर्शन करोगे ना उनका फल आपके माता पिता को। यहाँ दर्शन करिए सभी लोग। इसको बोला जाता ललिता कुंड। जब श्री कृष्ण के गोपियों को महाराज करते समय प्यास लग रही थी तो फिर हूने या बंसी से गड्ढा खोद के गोपियों को पानी पिलाया, ललिता और विशाखा को, जिनका इस कुंड पे नाम पड़ा है। तो ताली बजाएगी ना थोड़ा, क्योंकि वृंदावन में आज आपको हंसना है खाली। अब मैं आपको जो दर्शन कराने ले जा रहा हूँ, स्वामी भरता जी का प्रकट स्थान है, इसी जगह बैठ करके तपस्या करी उन्होंने, वो दोनों मूर्ति भूमि से निकाली, बाकी बारी और वृंदावन बारी जो गोल चक्कर से पड़ेगा उसी में से लेकर के गए बाकी बारी दर्शन करने। बाकी सर जी सुनेंगे सर कि जिस तुलसी के जितने भी आप पत्ते देखें उनको तोड़ने से राधा रानी के हाथ में मिलेगा, आज भी अपनी बाकी लहरी राधा रानी के सिंगर अपने हाथों से। तो यहाँ ठाकुर के लिए चार चीज़ें रखी जाती है, पान, ठाकुर, लड्डू, भजन, ये चारों चीज़ आपको यहाँ से खाई मिलती है। पहले जो प्रसाद जाता है तुम्हारा बाकी लहरी मंदिर, फिर जाता है वृंदावन लहरी मंदिर, वहाँ से सभी भक्तों को लड्डू का प्रसाद और तुलसी भी मिलता है वृंदावन लहरी। क्यों? क्योंकि देखो श्री कृष्ण रहे थे द्वारका के राजा, और यहाँ के राजा कौन है? बलराव कृष्ण के बड़े भाई, उनको यहाँ का राजा बाकी लहरी बना करके गए कि यहाँ के राजा आप, मैं द्वारका का, क्योंकि यशोदा मैया ने बोला कि मेरा मेरा बड़ा बेटा जो है मेरे पास रहेगा, तुम द्वारका है, तो कन्हैया द्वारका चलेगा। बोलिए वृंदावन लहरी लाल की। सामने पेड़ देख रहे हैं कितने हरे भरे, और ऊपर से देखिए इनको पानी नहीं दिया जाता, आप लोग सोच रहे होंगे तो पानी नहीं मिलता फिर भी हरे भरे कलैया है।
तो गाइड ने बोला यहाँ पे कि कृष्ण जी और राधा जी रासलीला करते थे, तो हम लोग ने सोचा कि हम भी यहाँ पे थोड़ा डांस कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग निधि वन के दर्शन करने के बाद हमने सोचा कि यमुना नदी के भी दर्शन कर लेते हैं। तो हम लोग आ गए हैं यमुना तट पे। यहाँ पे मम्मी कुछ फूल ले रही थी यमुना नदी में अर्पण करने के लिए। तो यमुना जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे प्रेम मंदिर, और रात में प्रेम मंदिर कितना ज़्यादा सुंदर लगता है जैसा आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं प्रेम मंदिर के अंदर, और यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, और यहाँ का झूमर तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। हालांकि यहाँ पे भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी और भक्तों में तो बहुत ही ज़्यादा जोश थी। और हमें यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीज दिखी, तो आप बताइए स्टैचू है या रियलिटी।